देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, ठीक है। ड्रीम हाउस पी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिल्डिंग टू रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन दिस सिटी, HP1 HP2, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ये पिछले साल का वर्क है। मटेरियल परचेज दे दिया, लैंड परचेज नियर टू द साइट टू ओपन एन ऑफिस, ठीक है। ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन नियर टू द साइट टू ओपन एन ऑफिस 12 लाख, ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस पेड ऑन द अबव परचेज 60,000। तो लैंड का कॉस्ट हो गया 12,60,000। नाउ लैंड कॉस्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना उसका रेवेन्यू निकालना है अपने को, राइट। वेजेस पेड एड आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, डोनेशन पेड टू लोकल देना पड़ता है, वहाँ के जो लोकल ठेकेदार होंगे उनसे अगर आपको काम नहीं करवाना है तो उनको चंदा देना पड़ता है, तो इस टाइप का चीज़ है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एक्सपेंस ही है। हायर चार्जेस 3 साल का दिया हुआ है तो 1 साल का खर्चा ले लेंगे। क्लोजिंग मटेरियल दिया है लेस करके कंज्यूम्ड आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, एक कॉन्क्रीट मिक्सचर बचपन में टॉयज आते थे वैसे, अप्रैल में 8,20,000 का, जिसको 180 दिन HP1 में 100 दिन HP2 में यूज़ किया, डेप्रिसिएशन 15%, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो हम लोगों ने पढ़ा है दैट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, रिमेंबर हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी वही नोशन में हम लोग काम करेंगे। इज दैट फाइन। आइए सबसे पहला क्या बोला है, सो वी विल प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019। राइट, पर्टिकुलर्स HP1 HP2, पर्टिकुलर्स HP1 HP2, राइट। आइए सो टू ओपनिंग WIP, क्योंकि इसी पे आगे का काम होगा, राइट। मटेरियल परचेज को खर्चा दिखा दीजिए और क्लोजिंग को ऑपोजिट साइड में दिखा दीजिएगा। 6,20,000, 8,10,000, इज दैट फाइन एवरीवन। लैंड परचेज को कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड खर्चा नहीं माना जा सकता, राइट, तो उसका ब्रोकरेज भी खर्चा नहीं माना जाएगा। टू वेजेस तो इसमें है 85 में 12,000 जोड़ दिया तो इसका आएगा 97, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग 62 में 8,400 जोड़ दिया 70,400। डोनेशंस जो मैंने दिए हैं लोकल क्लब्स को, गुंडागर्दी उपाय नहीं है, 5,000 2,500, राइट। प्लांट हायर चार्जेस, तो जो भी प्लांट हायर चार्जेस है, एक है आपका 72,000 by 3 करेंगे, कॉमा एक में करेंगे 57,000 by 3, तो 24,000 और 19,000, राइट।
लाइन से सारा खर्चा लिखना हम लोगों को। उसके बाद लिखा हुआ है क्लोजिंग मटेरियल, तो बाई मटेरियल्स एट साइट, क्लोजिंग वाला रिमेम्बर कितना है, 47,000 एंड 52,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से अपने को मतलब नहीं है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, यूजुअली पीपल डू सो इट इन दी सेकेंड पार्ट, बट बहुत सारे सम्स में क्या किया गया है, बाई डब्ल्यू आई पी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को यहीं पर दिखा दिया, बट ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि मान लो अगर अनसर्टिफाइड का आपको कॉस्ट नहीं दिया हुआ, तो आपको याद है मैंने एक पास्ट ईयर पेपर में भी आया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट जब अनसर्टिफाइड का कॉस्ट नहीं देगा तो उस फॉर द टाइमिंग यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट दैट डिवाइडेड बाई वर्क कंप्लीटेड इंटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, राइट। वैसा सम्स हम लोगों ने किया है, बट क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ तो आप यहीं पे दिखा सकते हैं, 20,50,000 और 1,90,000, राइट। इधर आएगा 16,10,000 और 1,40,000, ठीक है, इज दैट फाइन। अभी हमें दिखाना है टू डेप्रिसिएशन, ध्यान दीजिएगा, 8,20,000 का एसेट है, 15% रेट है, 180/365, और इधर वाले में आएगा 8,20,000 इंटू 15% इंटू 100/365, कितना आ रहा है, 606। आपने देखे हैं जितना दिन तक एसेट यूज होगा उस पर्टिकुलर साइट कंस्ट्रक्शन साइट पे उतने दिन का डेप्रिसिएशन आएगा, 33699 राउंड ऑफ करके बताया आपने, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 2 नोशनल प्रॉफिट। आगे हमें करना नहीं है, यहीं तक करना है, थर्ड पार्ट अब हम नहीं दिखाते, इंस्टीट्यूट मना कर रहा है। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, सेवन डबल जीरो 342, और इधर 586,401, राइट। तो इससे आसान सम आप एग्जाम में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इज दैट फाइन। सारा खर्चा लिख दिया, डेप्रिसिएशन एसेट, हायर चार्जेस 3 साल का है ध्यान दीजिएगा, तो 1 साल ही हुआ ना, अप्रैल से लेके मार्च तक, और तो कुछ है नहीं। ये सब सवाल 10 नंबर के आएंगे एग्जाम में, और आपको करने में 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए।
ठीक है। आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा है प्रोसेस कॉस्टिंग का। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेस ए का दिया है फरवरी महीने का। फर्स्ट फरवरी को 4,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसमें ऑल मटेरियल यूज मतलब 100%, लेबर ओवरहेड 25% नया, और 16,000 आया, यूनिट्स कंप्लीटेड 14, और क्लोजिंग WIP है 6,000। तो मैच हो गया ना, 16 16 4 और 16 हो गया 20 इनपुट, और 14 और 6 20 आउटपुट। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स करंट वर्क इन प्रोग्रेस का दे दिया और करंट भी दे दिया। एवरेज मेथड से करना है हम लोगों को ना, ये सब आप दोनों से कर सकते हैं, क्योंकि ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन का परसेंटेज ब्रेकअप और ओपनिंग WIP का जो खर्चा है उसका कॉस्ट ब्रेकअप, फीफो करने के लिए परसेंटेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन का ब्रेकअप चाहिए, और वेटेड करने के लिए आपको कॉस्ट का ओपनिंग WIP का कॉस्ट का ब्रेकअप चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अपने को दोनों कर सकते हैं, बट अपने को बोल दिया एवरेज मेथड से आपको क्या बनाना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड देन प्रोसेस अकाउंट बनाना है। आइए बच्चों, तो सबसे पहला ये समी है, नोट नहीं है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन EQP, लॉसेस वगैरह है नहीं, जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। ये हमारे स्टडी मटेरियल में सवाल नंबर 4 है, इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड डिग्री ऑफ कंप्लीशन EQ डिग्री ऑफ कंप्लीशन EQ डिग्री ऑफ कंप्लीशन EQ। राइट, आइए भरते हैं। सबसे पहला ओपनिंग WIP 4,000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 16,000, ठीक है, तो टोटल इनपुट हो गया हमारा 20, तो आउटपुट भी होना चाहिए 20, राइट। अच्छा, वेटेड एवरेज में हम लोग कभी भी ये नहीं देखते कि जो कंप्लीट हुआ कहाँ से हुआ, सीधा लिख देंगे यूनिट्स कंप्लीटेड 14 और क्लोजिंग WIP 6,000, राइट। अब जो कंप्लीटेड है उसको हम लोग 100 100 100 पे दिखाते हैं, हाँ या ना, किस पे दिखाएंगे, 100 100 100 पे। सर मानता हूँ इसमें 4,000 ऐसा है जिसपे 100 25 25 काम हो चुका है, लेकिन अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने टोटल वर्क दिखाएंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स में आता है टोटल वर्क डन, बिकॉज वेटेड एवरेज का खासियत ही है टोटल कॉस्ट बाय टोटल वर्क, राइट। तो यह आएगा 14,000 14,000 14,000, ये है 100 33 1/3 33 1/3, तो आवेगा 6 2 2। बीस 16 16 टोटल कॉस्ट, तो मटेरियल का ओपनिंग WIP में 6 लाख का खर्चा हुआ है और करंट मंथ में 25,60,000 का, तो 6,00,000
प्लस 25,60,000 मिला के हो गया 31,60,000। वैसे ही लेबर में 1,15,00,000, 1,00,000 प्लस 15,00,000 मिला के हो गए 16,00,000। इसका भी आएगा 16,00,000। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ये आएगा 31,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, यह आएगा 158। यह आएगा 100 रुपये, यह आएगा 100 रुपया। ये लो लो भैया, जो खर्चा पहले हो चुका है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। छह लाख का ओपनिंग WIP पे मेटल का खर्चा हो चुका है, प्लस 25,60,000। लेबर में भी वही चीज है, ओवरहेड का भी वही हाल है। अब अपने को बोला है कंप्लीटेड और WIP का कॉस्ट निकाल लो। तो ये हमारा था पार्ट टू। पार्ट थ्री, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। सर 158 प्लस 100 प्लस 100 सभी का इक्विवेलेंट 14,000 है, राइट? तो ये आएगा 50,12,000। वैसे ही कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP 6,000 × 158, 2,000 × 100, 2,000 × 100, 6,000 × 158 ये आया 13,48,000। एकदम सिंपल है ना, नॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन नहीं भी, ये सब कुछ नहीं है, झमेला वाला बात है ही नहीं। राइट, ये हमारा पार्ट थ्री हो गया। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इनटू इक्विवेलेंट यूनिट समिशन इक्विवेलेंट यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, उसका समिशन है। हर एक एलिमेंट का अब हमें बनाना है प्रोसेस ए अकाउंट।
टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 4000, इसके मटेरियल लेबर ओवरहेड 6 लाख, 1 लाख और 1 लाख, टू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, मटेरियल लेबर ओवरहेड 16000 है ना, 25 लाख, 60, 15 लाख, 15 लाख, 14000, इसकी वैल्यू आई है 50,12,000 भाई, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है 6,13,48,000, ये लो वीरप्रात मैच कर गया। है ही नहीं सम में, ही कुछ नहीं है, कुछ दम ही नहीं है। ये हमारा इक्यूपी का सबसे पहला सम था, मुझे आज भी याद है। ठीक है आइए, अब अगला समय हमारा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का है, ध्यान से देखिए, सवाल को पहले पढ़ लीजिए, नंबर 9 वाला। अ कंपनी प्रोसेसेस अ रॉ मेटल इन डिपार्टमेंट 1 टू प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स ए बी एक्स एट द सेम स्प्लिट ऑफ स्टेज। राइट, 1,80,000 रॉ मटेरियल वेयर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट 1, उसका टोटल कॉस्ट लगा है 12,88,000, आउटपुट निकला 18,10,54। हो सकता है जो हमने डाला है उतना नहीं आ रहा है, बट ये हो सा ना श्रिंकेज होता हो, कुछ भी हो गो, मतलब हमने आउटपुट बनाया है। राइट, आज जरूरी नहीं है जितना केजी का प्रोसेसिंग हो, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ कॉम्प्रेस हो रहा हो, वॉट एवर। राइट, तो उससे अपने को जो इनपुट का जो क्वांटिटी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट के क्वांटिटी के बेसिस पे अपने आगे बढ़ेंगे।
ए एंड बी को डिपार्टमेंट टू में फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है, कॉस्ट लग रहा है 1.80, 1.5 लाख, ठीक है, और एक्स की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है डिपार्टमेंट थ्री में, राइट। उसमें आप लोग देखिए, आपका फर्दर प्रोसेसिंग लग रहा है अलग से, इज दैट फाइन? राइट डिपार्टमेंट थ्री में उसकी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है 1,08,000 में। फर्दर प्रोसेसिंग में कोई वेस्टेज नहीं है, ठीक है। सेल्स का वॉल्यूम दे दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स की वैल्यू भी दे दी उन्होंने, मतलब ये जो सेल्स वैल्यू है ये फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद वाला है। आप चाहें तो स्प्लिट अप में भी बेच सकते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम हो रहा है डिपार्टमेंट वन में, तो हमारा जॉइंट कॉस्ट होगा 12,88,000। यहाँ हमारी निकल रही है तीन प्रोडक्ट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ए बी एक्स, ठीक है। हमने बताया आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। 18,000 kg, 10,000 kg और 54,000 kg। डाला क्या था उससे मतलब नहीं, आउटपुट जो आ रहा है उसके बेसिस पे अपने ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शन कर लेंगे, मतलब जो भी हो, वेस्टेज हो, कंप्रेस हो रहा हो, व्हाटएवर। इसकी फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट लग रही है हमें 1,80,000, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग है 1.5 लाख में, और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग है 1,08,000 में। अच्छा, तो फर्दर प्रोसेसिंग में भी 18,000 kg, 10,000 kg, 54,000 kg। अच्छा, 17,000 kg का जो सेल प्राइस दिया हुआ है उसको सेल वैल्यू से अगर डिवाइड कर दे, 17,000 सेल वैल्यू डिवाइडेड बाई 17,000 kg, तो मेरा फर्दर प्रोसेसिंग वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा, हाँ या ना? आज अपने ध्यान से देखते हैं, जैसे इसका सेल्स वैल्यू दिया है 12,24,000 को, जैसे ये 17,000 ही बेचा है, 1,000 नहीं बेचा, तो साफ समझ में आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस क्या है। करके बताओ, 12,24,000 डिवाइडेड बाई मैं अगर 17,000 कर दूं तो समझ में आ जाएगा इसकी सेलिंग प्राइस 72 है। इसकी 50 आएगी, 2,50,000 डिवाइड बाई 5,000, और इसकी आएगी 792 डिवाइडेड बाई 44, 18 रुपये। मैंने अभी अपना ये डायग्राम कंप्लीट करना है बेटा, यहाँ पे सेल क्या होता है उससे मतलब नहीं है,
अपने को सेल वैल्यू दिया तो उससे अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं ना आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अच्छा स्प्लिट ऑफ वाला दिया हुआ है एट द रेट 50, एट द रेट 40 और एट द रेट 10। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। स्प्लिट ऑफ के वक्त हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद में हमारी सेलिंग प्राइस क्या है और स्प्लिट ऑफ में हमारी सेलिंग प्राइस क्या है। ये डायग्राम आने से हमारे पास अब हमको कोई भी मेथड बोले, चाहे वो सेलेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ बोले, चाहे वो फिजिकल यूनिट मेथड बोले, चाहे वो NRV बोले, चाहे वो कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज, याद है ना GP परसेंटेज, NRV मेथड, कुछ भी मेथड बोले, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, NRV, कुछ भी बोले, हम लोग सारा मेथड से कर सकते हैं। डन, यस और नो? तो ये डायग्राम को पहले हम लोगों को अपने अपने आप में ले, भले सेल क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां तो हम उतना ही लिखेंगे जितनी हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटीज है, राइट? डन। अब एक के बाद एक क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले बोलता है अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो जब कुछ नहीं बोला रहेगा तो अपने सेलेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ लगाएंगे। उसके बाद बोला स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग जॉइंट कॉस्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट सेपरेटली। वाओ, ठीक है। फिर प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट बोला है एंड टोटल प्रॉफिट, ठीक है। और फिर ये बताइए कि फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? आइए, तो सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट सेलेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। और फिर आएगा हमारा एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो प्रोडक्ट ABX 18,000 इंटू 50 करके, स्प्लिट ऑफ वाला 9,00,000, 10,000 इंटू 40 4,00,000, 54,000 इंटू 10 राइट। सो 12,88,000 इंटू 9/1840, 12,88,000 इंटू 9/1840, राइट? सेलेबल वैल्यू और स्प्लिट ऑफ के बेसिस पे हम लोग हमारा जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर देंगे।
राइट करो, कितना 6,30,000, 2,80,000, 3,78,000, 78,000। ये आ गया हमारा एलोकेशन ऑफ जेसी, पहला पार्ट हो गया हमारा। क्या सेल्स होता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, एलोकेट करते वक्त आपको टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी का सेलेबल वैल्यू लेना पड़ेगा। हाँ अगर आप एनआरवी मेथड करते हैं, हाँ कैसा बात कर रहे हैं तुम, अगर हम एनआरवी मेथड भी कर रहे होते तो 18,000 × 72 माइनस एफपीसी, 10,000 × 50 माइनस एफपीसी, 54,000 × 18 माइनस एफपीसी, हमारा नेट रिलाइजेबल आता। हाँ टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी का सेलेबल वैल्यू। डन, इज दैट फाइन। अभी एक समय ऐसा भी था जिसमें ये कॉस्ट पर केजी वाला चीज आ रहा है, तो अपने इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बी एक्स टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, राइट। स्टेटमेंट इज बेसिकली लाइक दिस, सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट 630, 280, 378। अच्छा इसका आउटपुट है 18,000 kg, इसका है 10,000 kg, इसका है 54,000 kg। रिमेंबर राइट, further प्रोसेसिंग कॉस्ट 180, 150, 1,08,000, 180, 150, 1,08,000, 8,10,000, 4,30,000, 486। डन, इज दैट फाइन। अब ये डिवाइड होगा 630 डिवाइड होगा 18,000 से, तो ये आएगा कॉस्ट पर यूनिट 35, ये आएगा 10, सो ये आ गया 45, ये 28, 15, तो ये आ गया 43, 378 डिवाइडेड बाई 54,000, 729। ऐसे ही तो बोला है ना, टोटल कॉस्ट भी आ गया, कॉस्ट पर केजी जेसी भी आ गया, कॉस्ट पर केजी एफसीसी का भी आ गया, टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी आ गया।
ठीक है। इज दैट फाइन? क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। ए 17,000 केजी बेचा है, बी 5,000 केजी बेचा है और सी कितना बेचा है? 44,000 केजी। राइट, तो सेल्स वैल्यू तो दिया हुआ है, बारह लाख चौबीस हजार, ढाई लाख, 792। जितना बेचा है उसी का प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, खत्म बात। यस, जितना बेचा गया है उसी का प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। लेस जॉइंट कॉस्ट, एफपीसी 35 और 10, तो 17,000 इंटू 35 पर यूनिट आ गया ना ऊपर में, तो 17,000 इंटू 35 That is 595. 17,000 into 10, 170. Right. इसका है 28 और 15, तो 5,000 into 28, 140. 5,000 इंटू 15, 75। इसका है 7 एंड 2, 35 10 28 @15 @7 @2, तो @2 करेगा तो ये तो 88 आएगा। ठीक है, फोर लाख 59।
35,000 396 आ गया। इसी तरीके से करते हैं ना हम लोग। राइट जितना बेचा गया है उसी के बेसिस पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनेगा। आइए अब पार्ट फोर इवैल्यूएशन की स्प्लिट ऑफ में बेचे हैं। तो ए बी एक्स सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ 18,000 इंटू 50 10,000 इंटू 40 54,000 इंटू 10 दैट कम्स टू 9 लाख 4 लाख 5,40,000 राइट। ये विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग है, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अपने ज्वाइंट कॉस्ट लेस नहीं करते हैं क्योंकि दोनों ही केसेस में उस सेम ज्वाइंट कॉस्ट होगा ना। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 18,000 इंटू 72 10,000 इंटू 50 और 54,000 इंटू 18 18,000 इंटू 72 लेस एफपीसी करेंगे क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग करने से हमारा खर्चा लग रहा है। इसका 180 है, इसका 1.5 लाख, इसका 1,08,000, यह है 5 लाख। इवैल्यूएशन हमेशा टोटल का ही होता है। ₹12,96,972 ये तो 3.5 लाख आ रहा है। ₹8,64,000 अब बताइए आप, ये है विथ फर्दर प्रोसेसिंग। तो बेटर क्या है,
इस वाले को फर्दर प्रोसेस करना है, ज़्यादा पैसा आएगा, इसको स्प्लिट ऑफ में बेच दो, तो बी शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ, प्रोडक्ट बी शुड बी स्प्लिट ऑफ। भैया मेहनत भी दे, टाइम भी दे, उसके बाद पैसा भी ज्यादा नहीं आए तो फायदा क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचेंगे तो मेरा खर्चा भी लगेगा ना। तो ए एंड एक्स शुड बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यस बोलिए। बहुत सिंपल सम था। इज दैट फाइन? मई 2020 में हाई प्रोबेबिलिटी ये सम आने का, ऐसे ही इंट्यूशन हुआ बोल दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। सेम क्वेश्चन हमारे बुक में है ये क्वेश्चन। अ कंपनी रन्स एन हॉलीडे होम और फॉर दिस पर्पस इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 10 लाख पर मंथ। शायद वहां पे 10,000 है मेरे ख्याल से, जो भी अलोंग विद 5% टेकिंग उसको कमीशन। तीन टाइप का रूम है, सिंगल डबल ट्रिपल। टोटल के रूम के नंबर्स और ऑक्यूपेंसी दिए हुए हैं। रेंट ऑफ डबल 2.5 गुना है सिंगल का, और ट्रिपल का है दुगना डबल का। ठीक है, तो इसका मतलब रेंट ऑफ वन डबल इज 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल, और ट्रिपल का दुगना ऑफ डबल मतलब 5 टाइम्स ऑफ सिंगल। यस और नो? तो ट्रिपल का वेटेज इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल इज 5। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, यहां पे रूम डेज निकालना है, मैंने आपको बताया। तो होटल इंडस्ट्री में पूरे साल का खर्चा दे दिया, इसमें अपने भाड़ा जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा क्विक करते हैं। नोट नंबर वन, टोटल एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, राइट? इसको अपने आप जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। 10 लाख भाड़ा है,
राइट, इनटू 12 तो 1 करोड़ 20 लाख तो ये हो गया। अच्छा स्टाफ सैलरी है 14 करोड़ 25, रूम अटेंडेंट है 4.5 करोड़, लाइट है 2 करोड़ 15 लाख, रिपेयर रेनोवेशन है 1 करोड़ 23 लाख 50 हज़ार, लॉन्ड्री चार्जेस है 80 लाख 50 हज़ार, इंटीरियर डेकोरेशन 74 लाख, सनट्रीज है 1 करोड़ 53 लाख। ठीक है, तो जस्ट आप कैलकुलेटर में जोड़ लीजिए इसको और बताइए कितना आ रहा है। ये तो आप वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का स्टेटमेंट बना के यू कैन ऐड अप, जस्ट टेल मी। कितना आ रहा है? 26 करोड़ 41 लाख। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना है? 26 करोड़ 41 लाख डिवाइडेड बाय 75%, क्योंकि 5% तो कमीशन और 20% प्रॉफिट है, तो 25% हो गया। तो जो भी आ रहा है 26 करोड़ 41 लाख डिवाइडेड बाई 75%, दैट इज 35 करोड़ 21 लाख ₹33,333.33। कैन डू इट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, राइट, देन वी विल कैलकुलेट रूम डेज, राइट। सो रूम डेज हम लोग डिटेल में करेंगे। क्या क्या बोला है? कितना कितना रूम्स है? टाइप सिंगल डबल ट्रिपल, रूम के नंबर्स कितने हैं? 100, 50, 30। ऑक्यूपाइड रूम्स सिंगल का 100% ऑक्यूपेंसी है, डबल का 80%, ट्रिपल का 60%। इसका 100%, इसका 80%, इसका 60%, राइट। देन वी हैव रूम डेज, सबको इनटू करना है 360, 360 दिन होते हैं ना,
तो 36,000, 14,400, 6480. Now, equivalent number of single room days right इसमें फैक्टर वन है, इसका ढाई गुना है, इसका डबल का दुगना, मतलब पांच गुना हो गया सिंगल का, तो ये आएगा 36,000, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 36,000 और ये होगा 32,400 डिवाइडेड बाई 1044 इतना रूम डेज, देयरफॉर रेंट पर सिंगल रूम डे 35,21,33,333.33 बाय 1044400 That comes to per room per night वही day जो भी आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे 1044 से 3373 rupees 3373 per room day रेंट पर डबल रूम डे 3373 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना रेंट पर ट्रिपल रूम डे 3373 का 5 गुना सो इट इज कमिंग टू 8,433 and this is coming to 16865 per room day बहुत ही इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है ये हमारे बुक में एक और है सिनेमा हॉल्स का सम होटल्स नहीं आएगा तो सिनेमा हॉल आ जाएगा लेकिन उसमें नंबर ऑफ डेज नहीं होता वहाँ पे शोज होता है क्योंकि एक दिन में तीन तीन चार चार शो होते हैं ना तो सेम था कैटेगरी ऑफ सीट्स आर डिफरेंट बट वहाँ पे एक चेंज था वो शोज भी मल्टीप्लाई मतलब 360 मतलब इंटू 3 टोटल नंबर ऑफ शोज से मल्टीप्लाई होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही मतलब इस टाइप का सम्स देखने से ऐसा लग रहा है कि मतलब है वी हैव प्रिपेयर्ड वेल ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग अनप्रिपेयर्ड हैं
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि दिस इज द सेम सम वी हैव डन। 11 तो एक नए करिकुलम एक एग्जाम पेपर में आया है एंड जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम लोग नवंबर 19 का जो आरटीपी किया है उसका सेम क्वेश्चन है राइट बस खाली फिगर डिफरेंस है। सो 11 एंड 12 वी वोंट डू दैट्स अ सेम प्रॉब्लम आइदर वी हैव सीन इट इन आवर पास्ट पेपर राइट और तो वो भी मैंने आपको सॉल्व कराई है क्लास में पूरा पेपर एंड मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा नवंबर 2019 वाला आरटीपी में है। सो नाउ 13 नंबर बजट वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13 राइट। दो प्रोडक्ट है सबका कॉस्ट पर यूनिट दे दिया। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड तो अपने को पर यूनिट नहीं चाहिए तो इसका टोटल चाहिए तो 6000 से इंटू 8 कर देंगे 9000 से इंटू 4 कर देंगे जो भी है। मार्केटिंग एफर्ट के बाद में ए का सेल्स 1500 से बढ़ जाएगा बी का सेल्स 500 से बढ़ जाएगा रेस्पेक्टिवली बट वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बजट बिफोर मार्केटिंग एफर्ट एंड आफ्टर मार्केटिंग एफर्ट आइए। सो अपने पार्ट ए कर रहे हैं पहले फ्लेक्सिबल बजट बिफोर मार्केटिंग एफर्ट्स तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। हमको क्यों बनाने बोला भगवान मलिक। ठीक है नाउ रॉ मटेरियल अच्छा इधर है 6000 यूनिट इधर है 9000 रॉ मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड तो यह आएगा मेरा टोटल कॉस्ट प्रॉफिट आएगा सेल्स राइट। तो अपने को पर यूनिट दिया है 60 30 12 8 110 120 तो ये 10 सिंपल है 42 18 64 70 ये है 78 तो ये आएगा 8। अब मल्टीप्लाई करना है 6000 से इनटू 2 राइट सिंपल है ना। पर यूनिट दिया है सीधा मल्टीप्लाई करो
9000 × 6 = 54, 36, 1,62,000, ठीक है। अभी ध्यान दो, इसमें से एनालिसिस वाला कौन कौन सा डाटा लेना है अपने को? ये नो, इसका ये लेना है और इसका ये लेना है, ये। अब इसमें जो जो चेंज हुआ उसको चेंज करेंगे। ठीक है ना? तो पार्ट बी, ₹7,500। अब बी 9,500 मार्केटिंग एफर्ट्स करने के बाद। पर यूनिट टोटल ध्यान दीजिएगा, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, यह आएगा मेरा सेल्स। ध्यान दीजिए, ये 60-42 कोई चेंज नहीं है, 30-18 कोई चेंज नहीं है, 12-6 नहीं लेना। लिखा है वेरिएबल ओवरहेड बढ़ेगा 10% से, तो इसको लेंगे 13.2, 6.6। फिक्स्ड ओवरहेड लिखा है 5% से बढ़ेगा, 50,400, 37,800। अब अपने को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेना। अच्छा, ये हमारा 120 रहेगा, ये हमारा 78 रहेगा, काम हो गया हमारा। इसको चेंज किया हम लोगों ने, राइट? ये चेंज हुआ। फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट से मतलब नहीं रखता, टोटल से मतलब रखता है। ठीक है, आइए, तो 60 × 7,500 फटाफट करो, 60 × 7,500, सॉरी, 450, 225,
29 प्लस 50 400 8244 00 ये 9,75,600 इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा कितना 6.72 109.92 और ये आएगा 10.08। वैसे ही इसको करो कितना आ रहा है 42 × 9,500 399 18 × 9,500 कितना आ रहा है बोलिए 171 6.6 × 9,500 62,700 टोटल इज 6,7,500 दिस इंटू 9,500 बोलो सत्तर हजार पाँच सौ करिए बताइए कितना 3. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 3.98 70.58 तो ये आएगा 7.42 सो मार्केटिंग एफर्ट्स कराने से हमारे प्रॉफिट्स ए का बढ़ा है बी का नहीं बढ़ा है जो भी अपने को एनालिसिस करने नहीं बोला सीधा बनाने बोला है राइट आइए तो इस आरटीपी में भी दो तीन क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग क्विकली एक बार कवर अप करेंगे राइट सो क्वेश्चन नंबर 14 है ना पहला क्वेश्चन क्या बोला है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन नाउ रिपेयर होता है कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन होता है रिप्लेसमेंट पता है ना आपको कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन
ठीक है, इसमें रिपेयर आएगा, इसमें रिप्लेसमेंट आएगा, राइट। यस और नो? प्रिवेंटिव मेजर है ये कि भैया खर्चा बढ़ गया उसको रिपेयर वेपर करवा के इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करो, और ये है करेक्टिव मेजर, कॉस्ट कंट्रोल एंड्स वंस टारगेट्स आर अचीव्ड, राइट। न्यू टारगेट इज सेट, प्रेजेंट सिचुएशन इज हैंडल्ड, यहां पे प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, बहुत है इतना लिखना। कॉस्ट कंट्रोल से खाली आपका प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक में बोथ आर कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटेजीज, दोनों में खर्चा बचता है। और भी लिख सकते हैं आप, कॉस्ट कंट्रोल में आपका कम अमाउंट में काम हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन में हैवी अमाउंट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो थ्योरी मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, इनफैक्ट ये सब तो कुछ कुछ हम लोग ने नोट्स में भी लिखा है। राइट, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। आइडल टाइम का मैंने बताया, नॉर्मल आइडल टाइम तो अपने क्या करते हैं, लेबर रेट को बढ़ा देते हैं, ऐसा सब हम लोगों ने किया है। अकॉर्डिंगली लेबर रेट बढ़ा दिया मतलब कॉस्ट ऑफ द, मतलब आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम का पैसा जैसे लंच आवर रिसेस टाइम कस्टमर बियर करता है, अगर मशीन ब्रेक डाउन एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो वो कॉस्टिंग पेल में चार्ज होता है। ओवर टाइम प्रीमियम का ट्रीटमेंट मैंने बताया, अगर कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है तो चार्ज इट टू द जॉब कॉस्ट शीट ऑफ द कस्टमर, अगर मशीन ब्रेकडाउन के कारण जो ऑलरेडी ऑर्डर उठाया हुआ है उनका टाइमली कंप्लीट करना है तो इन दैट केस एबनॉर्मल रीजंस है तो आपका कॉस्टिंग पेल में जाएगा, अगर प्रीवियस डिपार्टमेंट एट फॉल्ट है तो चार्ज इट टू द प्रीवियस डिपार्टमेंट, और अगर ये रूटीन हो गया है कि ओवर टाइम करना ही पड़ता है तो ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड, राइट। सो आइडल टाइम का ट्रीटमेंट आप लोगों को पता है, नॉर्मल आइडल टाइम है, लेबर रेट इज इंक्रीज्ड तो ऑटोमेटिकली कस्टमर इज चार्ज हाई, एबनॉर्मल आइडल टाइम होगा चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ओवरटाइम प्रीमियम कस्टमर रिक्वेस्ट तो चार्ज इट टू कस्टमर, एबनॉर्मल रीजन कॉस्टिंग पीएल, प्रीवियस डिपार्टमेंट एट फॉल्ट चार्ज टू द प्रीवियस डिपार्टमेंट, एंड जनरल मतलब रूटीन हो गया अभी तो ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड, राइट। ये नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, हम लोगों के क्लास डिस्कशन में इस चीज को कवर अप किया गया है, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। नाउ वेरिएबिलिटी तो आपको पता है ना, बताइए, वेरी गुड। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, और कंट्रोलेबिलिटी, इसमें एक आता है कंट्रोलेबल कॉस्ट और एक आता है अनकंट्रोलेबल, जो हेड ऑफिस अपोर्शनड होता है यूजुअली, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर अनदर पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर एक और हो गया।
तो हम लोगों ने 3 रिवीजन टेस्ट पेपर कर लिया है और 3-4 1 हम लोगों ने पास्ट पेपर कर लिया है, राइट। सो विद ड्यू रेस्पेक्ट इतना काफ़ी है, बट अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो यू कैन गो बैक टू मोर रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड पास्ट ईयर पेपर्स, राइट। थैंक यू सो मच।